بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون बुजुर्गों और भाइयों, आज मैं शशोपंज में मुबतला शश के माने हैं छह और पंज के माने हैं पांच। शशोपंज एक महावरा तजब्जुब में हूं। मैं जब से यहां आया मुझे जो प्रोग्राम लिख कर दिया जो मेरे जेब में है, तो आज की इस मजलिस के लिए मुझे प्रोग्राम लिख कर दिया तकलीद और उलमाए देवबंद। इसको कहते हैं कहीं की नींव कहीं का रोड़ा, बानमती में कुंभा जोड़ा। और तकलीद एक अलग चीज है, उलमाए देवबंद एक अलग चीज है, दोनों का क्या जोड़ है। फिर जब मैं मस्जिद के करीब पहुंचा तो फिर मुझसे ये कहा कि आज यहाँ गश्त होगा, गश्त का दिन है, यानी जाओ तो तबलीग के मौजूद पर कुछ बात करो। मैं शशोपंज में हूँ, किस मौजू पर बात करूं। एक किस्सा याद आया, एक वाइज थे वो हमेशा कर्बला के मौजू पर तकरीर करते और कोई मौजू जानते ही नहीं। एक मरतबा चंद लोगों ने कहा इनको फंसाना, तकरीर में जब थोड़ी देर रही तो कहा आज आपको कुल हो अल्लाह की तफसीर करनी। खैर वो तकरीर करने के लिए आकर बैठे, खुतबा पढ़ा और कहा मुझसे ये कहा कि कुल हो अल्लाह की तफसीर करनी है। जानते हो ये कुल हो अल्लाह किस पर नाजिल हुई है? ये करबला वाले के नाना पर नाजिल हुई है। और करबला से किससे शुरू हुई गुजारती। इसलिए तीनों उन्वान पर तो आज अर्ज करना मुश्किल है। शुरू से लेकर चलते हैं तकलीद उलमाए देवबंद और जमा दावत तबलीग। जितना दाल दलिया हो जाएगा बाकी छोड़ देंगे। तकलीफ को कहते हैं तरजीह क्यों दी, तकलीफ को ज्यादा क्यों अहमियत दी। देखो मेरे भाइयों, वाकया ये आप लोगों को शायद यहाँ एहसास न हो, हमारे मुल्कों में ज्यादातर तबलीग में लगे हुए ही गैर मुकल्लिफ बन रहे। क्यों? तबलीग वाले बेचारे मेहनत करके नौजवानों को मस्जिद में लाते हैं तो अब ये गैर मुकल्लिफ उनके पीछे पड़ जाते हैं। तुम्हारी नमाज नहीं होती, तुम्हारी नमाज नहीं होती, तुम फातिहा नहीं पढ़ते, देखो बुखारी में लिखा है, देखो ये है। अब वो कच्चा तो जहन है, अभी अभी तो मस्जिद में आया है, नमाज भी बना है, और वो ऐसे उनके पीछे पड़ जाते हैं कि जो वाकयात हमारे सुनने में आते हैं ज्यादातर जमात में लगे हुए ही गैर मुकल्लिफ बनते हैं। इसलिए भी आज बेहतर यह है कि इसी मौजू पर गुफ्तगु थोड़ी सी कर ली जाए। ये दावत और तबलीग वालों का भी ये मौजू है, उनके लिए भी ये अहम बात है।
बात हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ उलमा भी हैं। तफलीफ बाब तफलीफ का मजदर और उसके माना है किसी को हार पहनाना। अकीदत का हार कि जिसको आपने अकीदत का हार पहनाया वो जब चले उसको फॉलो करो, फिर पीछे पीछे चलो। ये है तकलीफ की हकीकत। हमारे ये गैर मुकल्लिफ भाई जो हैं वो लोगों के जहनों में तकलीफ के सबसे पहले माना ही गलत बिठाते हैं। वो कहते हैं कि तकलीफ का मतलब है अपने गले में पट्टा डालो और उसमें रस्सी बांध के दूसरे के हाथ में, अबू हनीफा के हाथ में, शाफी के हाथ में दे दो, ले जाओ मुझे जहां ले जाना हो, चाहे जहन्नम के गड़े में ले जाओ। तो अब हर आदमी समझदार सोच जाएगा कि मैं कुत्ता क्यों बोलू, अपने गले में पट्टा क्यों डालू, दूसरे के हाथ में रस्सी क्यों दे दू, जहां चाहे ले जाए। कहीं से जवाब घूम जाता है। मेरे भाइयों यहाँ उलमा मौजूद हैं, वो जानते हैं कि ये तकलीफ के माना नहीं है, ये तो तकल्लुफ बाबे तफाउल के माना है। तकलीफ तो बाबे तफरी है, तकल्लुफ बाबे तफाउल है, ये तो तकल्लुफ बाबे तफाउल के माना है, तकलीफ के माना नहीं है। अगर आप तकलीफ के माना सही तरीके पर समझ जाए तो पहले ही मरहले में जहन साफ हो जाए। तकलीफ की वादा यह है आप दीन की जो बात नहीं जानते, सारे दीन पर अमल करना है, और आप दीन की जो बात नहीं जानते तो आपको जिससे अकीदत है उससे पूछो और वो जो मसला पता है उस पर अमल करो। इसका नाम तकलीफ है। मुझे कोई बतलाए कि इसके अलावा चारा क्या है। यदि एक आदमी एक मुसलमान दीन की कोई बात नहीं जानता तो जानने वालों से पूछना ही पड़ेगा, और पूछने के बाद में जो मसला बताएगा उस पर अमल करना पड़ेगा, और पूछने का क्या फायदा है। और तकलीफ में ये भी किताबों में लिखा है कि जिससे आप मसला पूछें उसे दलील न पूछें। क्यों? अगर दलील समझने की सलाहियत पूछने वाले में होती तो मसला ही नहीं पूछता, वो दलील से खुद ही मसला निकाल लेता। लेकिन अगर वो उसको दलील वो दलील न पूछे और हम उसको मुफ्ती उसको दलील बता दे तो आसमान नहीं टूट पड़े। दलील जानना कोई गुनाह नहीं, लेकिन दलील का मुतालबा सही नहीं, डिमांड सही नहीं। देखो चार फिक्र हैं, चारों फिक्रों की बड़ी किताबें तुम उठाओ, सारे मसाइल कुरान और हदीस के दलाइल से भरे पड़े। कोई मसला जब कुरान और हदीस के दलील के बगैर नहीं मालूम, मसाइल के दलाइल जानना गुनाह नहीं। मुतालबा डिमांड सही नहीं, क्योंकि अगर वो इतनी सलाहियत रखता कि दलील समझ सकता तो पूछता क्यों मसला, वो खुद ही कुरान और हदीस से मसला निकाल देता। बहरहाल तकलीफ का मफहूम ये है, इस मफहूम को एक मिसाल से समझो। आज के प्लान से तीन पार्टियों के तीन लीडर आ रहे हैं, चार पार्टियों के चार लीडर आ रहे हैं। इस मुल्क की पार्टियां तो मैं जानता नहीं हूं, अपने हिंदुस्तान में चले आओ। एक कांग्रेस का लीडर आ रहा है, एक बीजेपी का लीडर आ रहा है, एक जनता दल का लीडर आ रहा है, एक कम्युनिस्टों का लीडर आ रहा है, एक ही प्लान से चार लीडर आ रहा है। तो पार्टियों के वर्कर हार फूल लेकर मालाएं लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जहाज लैंड हुआ, कांग्रेस का लीडर आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो कांग्रेस के वर्कर हैं
वो उछलेंगे कूदेंगे नारे लगाएंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद। जब आएगा तो कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो फूल माला है हार पहना है कि जब वो लीडर चलेगा तो सब उसके पीछे पीछे चलेंगे। ये है तकलीफ की दिशा। और बाकी तीन पार्टियों के वर्कर खड़े तो न नारे लगा रहे हैं न हार पहना रहे हैं। फिर बीजेपी का लीडर आता हुआ नजर आया तो उस पार्टी के वर्कर यही अमल करेंगे। जनता दल का लीडर आ रहा है तो उसके कुछ उसके पार्टी के वर्कर यही अमल करेंगे। कम्युनिस्ट का लीडर आता हुआ नजर आया तो उस पार्टी के वर्कर यही अमल करेंगे। ये जो हार पहना है माला है पहनाई ये अकीदत के हार पहना है ये तकलीफ है। हार पहना ना फिर जब वो लीडर चला उसके साथ साथ पीछे पीछे ये चले ये फॉलोइंग है पैरवी है इतवा है। मेरे भाई को इसी तरह से समझो कि बाद इलाकों में लोग इमाम आजम के अकीदत में उन्होंने उनको हार पहना रखा है अपनी अकीदत वो इमाम आजम की तकलीफ करते हैं। उन्होंने कुरान और हदीस से जो दीन बयान किया समझाया उसको अमल करते। और केरला में चले जाओ वहां सब मुसलमान इमाम शाफी अलैहिर्रहमा की अकीदत में तो शवाब हैं। उन्होंने अपनी अकीदत का हार हजरत इमाम शाफी अलैहिर्रहमा को पहना रखा है तो वहां के लोग इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के पीछे चलते। सूडान में चले जाओ वहां सब मालिक ही हैं। उन्होंने अपनी अकीदत का हार इमाम मालिक अलैहिर्रहमा को पहना रखा है तो जो कुछ इमाम मालिक ने दीन को समझा समझाया उस पर अमल करते हैं। सऊदी अरब में चले जाओ सब लोग इमाम अहमद इब्न हंबल के अकीदत पर वो उनकी पैरवी करते हैं। और इस एतिकाद के साथ पैरवी करते हैं ये अइमा अपनी तरफ से कोई मसला नहीं बयान करते। जो भी मसला बयान करते हैं वो कुरान हदीस से बयान करते हैं। जब कुरान इस एतिकाद के साथ हम इन अइमा की पैरवी करते हैं तो इन अइमा की पैरवी नहीं हुई कुरान हदीस की पैरवी। आप किसी धार्मिकता से सवाल भेजा आपने जवाब आया आपने जवाब पर अमल किया तो धार्मिकता की पैरवी थोड़ी की। दारुलिफ्ता ने तो फिक्र हनफी की रोशनी में जवाब दिया तो आपने फिक्र हनफी की पैरवी की और फिक्र हनफी कुरान और हदीस में निकाला गया है तो आपने कुरान और हदीस की पैरवी की। ये कहना देवबंद के दारुलिफ्ता की तकलीफ थी ये कहना गलत है। देवबंद का दारुलिफ्ता अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता तो किताबों में फिक्र हनफी की किताबों में जो मसले लिखे वो बयान करता है और फिरके हनफी में जो मसले लिखे वो कुरान हदीस से निकाले हुए। जहन से ये बात निकल जानी चाहिए कि लोग चार इमामों की पैरवी करते हैं उनकी तकलीफ करते हैं यानी वो जो कहें वो मानते हैं अल्लाह रसूल की नहीं सुनते। ये दूसरा पॉइंट गैर मुकल्लिदीन नौजवानों के जहनों में जो बेइल्म है उनके जहनों में ये कहते हैं कि ये तुमने चार भूत बना रखे हो इन भूतों के पीछे क्यों चलते हो अल्लाह रसूल की तकलीफ करो कुरान और हदीस पर अमल करो। तो ये बात जहन से निकल जानी चाहिए तमाम मुसलमान कुरान और हदीस की अमल पर अमल कर दे। फिर और बात सुन हर फिका में 80% कुरान और हदीस ही से मसाइल बयान किए गए हैं। उन 80% मसाइल में किसी इमाम की कोई तकलीफ नहीं कुरान और हदीस की तकलीफ। और हर फिका में 20% ऐसे मसाइल हैं जिनमें इमामों की तकलीफ की जाती है और वो 20% जो मसाइल हैं जिनमें तकलीफ की जाती है वो तीन किस्म के मसाइल हैं।
मैं वो तीन किस्म के मसाइल बयान करता हूँ, आप फैसला करें कि उन तीन किस्म के मसाइल में तकलीफ के अलावा चारा क्या है। और हर फिका में 80% जो मसाइल है वो अइमा से बयान किए हुए नहीं, वो तो कुरान हदीस में है। और इसीलिए फिका की किताबों में उन मसलों के साथ कुरान हदीस की दलीलें हैं, और उसमें अल्लाह रसूल की पैरवी है, अल्लाह रसूल के अलावा किसी की पैरवी नहीं। अब ऐसा करना तो बहुत मुश्किल है कि 80% के लिए अलग किताब लिखो और 20% के लिए अलग किताब लिखो, ये बड़ा मुश्किल है। तो वो 100% मसाइल एक किताब में लिखे गए, और ये कहा कि फिक्हे हनफी की किताब है, ये फिक्हे शाफी की किताब है, ये फिक्हे मालिक की किताब है, तो लोगों को गलत फहमी हो गई। ये सारी किताब के जो मसले हैं वो इमाम अबू हनीफा ने बयान किए हैं। नहीं भैया, इनमें से 80% मसाइल तो कुरान और हदीस में सराहतन आए हैं। फिक्हे हनफी की किताबों में 20% ही मसाइल इमाम आजम के बयान किए हुए हैं। वो तीन किस्म के मसाइल क्या हैं? कुरान करीम में वो आयात में आपस में कोई तारुफ नहीं, क्योंकि मनसूख आयतें उठा ली गई, जो मौजूद आयतें हैं सब मामूल बेहा हैं, चाहे वो बाल मवाद में मामूल बेहा है, बहरहाल किसी न किसी सूरत में मामूल बेहा है। ये कुरान में तो कोई तारुफ नहीं, लेकिन अहादीस शरीफा की सूरत हाल ये है कि मनसूख हदीसें भी हदीस की किताबों में है और नासिख हदीसें भी। अब इन हदीसों को सॉर्ट आउट करना, ये पहले की हदीस है मनसूख है, ये बाद की हदीस है नासिख है, लिहाजा पहले की जो हदीस मनसूख है उस पर अमल नहीं होगा, बाद की जो हमने हदीस नासिख है उस पर अमल होगा। कई शुदा बात है। अब अक्सर तो ये तय करना बहुत आसान है, जैसे शरू इस्लाम में ये हुक्म था, तवव्वउ मिम्मा मस्सतिन नार, आप बावजू हैं और आग पर पकी हुई कोई चीज आपने खाई या पी तो आपका वजू टूट गया और नमाज पढ़ने हो और नया वजू करो। ये हुक्म आला दर्जे की सही हदीस है, ये हुक्म पहले था, बाद में ये हुक्म खत्म हो गया। और बात की रिवायतें ये हैं कि नबी ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन सहाबे इकराम आग पर पकी हुई चीजें खाते पीते थे और फिर नया वजू किए बगैर नमाज पढ़ते थे। तमाम अइमा मुत्तफिक हैं कि ये हदीसें पहले की, ये हदीसें बाद की। और मिसाल दो, पहले ये हुक्म था कि जब मियां बीवी मिले इंटरकोर्स करें तो गुस्ल कब वाजिब होगा? जब फारिग हो जाए, दोनों को इंजाल हो जाए, अब गुस्ल वाजिब हो। और अगर किसी वजह से फारिग होने से पहले मियां बीवी अलग हो जाए तो गुस्ल वाजिब नहीं, वुज़ू टूट गया, वुज़ू धो डालो और वुज़ू कर लो। उस जमाने के हदीस के अलमा व मिन अलमा, ये हुक्म बाद में बदल गया। और बाद में ये हुक्म आया कि इज़ल तकल खितानान फ़क़द वजब अल-ग़ुस्ल, जब दो शर्मगाहें मिल गई इस दर्जा कि मर्द की शर्मगाह औरत के जिस्म के अंदर चली गई, वो तो वाजिब हो, चाहे इंज़ाल हो या न। तमाम अइमा मुत्तफिक है, ये हदीस बात की और अलमा व मिन अलमा पहले की हदीस, कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन बाद हदीसों में सॉर्ट आउट करने में इख्तिलाफ हो जाता है, कोई कहता है कि ये पहले का है, कोई कहता है ये पहले का है, हुक्म है। जैसे नमाज में तीन चार जगह रफाए दें, इसकी भी हदीस है, और पूरी नमाज में कहीं भी रफाए दें नहीं,
तकबीर तहरीमा में जो रफाया जन हम करते हैं वो तो नमाज शुरू करने से पहले होता है। एक यूं करता है अल्लाह अकबर, तकबीर पूरी हुई नमाज शुरू, ये तो रफा बाहर है, नमाज में कहीं रफाया जन नहीं। इसकी भी हदीस है, रफाए दिन है इसकी भी हदीस है। अब अइम्मा आए, दो इमामों ने कहा, इमाम आजम ने और इमाम मालिक रहमहुल्लाह दोनों ने कहा कि ये रफाए दिन की हदीस से पहले है और पहले नमाज में हर ऊंच नीच में रफा था। आप उठाते जब सलाम करते थे तब भी रफा था, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। फिर बाद में ये हरकत खत्म की गई, आहिस्ता आहिस्ता नमाज में से रफाए दिल निकाल दिया। ये फैसला किया इमाम मालिक ने और इमाम आजम ने, और ये फैसला उन्होंने किस बुनियाद पर किया? उन्होंने कहा नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर जो चार खुलफा खड़े हुए हैं उनमें से चारों में से किसी ने रफाए दिल नहीं किया। जरा हले के सिद्दीक अकबर ने 17 नमाजें हुजूर के हयात में पढ़ाई, तो क्या ये बात मुमकिन है कि जो हुजूर का आखिरी अमल हो, खुलफा हुजूर के मुसल्ले पर खड़े होते ही वो अमल बदल गए? नामुमकिन। ये करीना, इस करीने से दो इमामों ने फैसला किया कि रफाए दिन की हदीस से पहले क्योंकि वो मंसूख है अब उन पर अमल नहीं होगा, और करके रफा की रफाए दिन न करने की हदीस से बात की है उसी पर अब अमल होगा। दूसरे दो इमाम आए, इमाम शाफई और इमाम अहमद रहमहुल्लाह, उन्होंने कहा नहीं, मामला उल्टा, पहले नमाज में रफा नहीं था, बाद में रफा बढ़ा, तो पहले रफा नहीं था वो तो खत्म हुआ, बाद में रफा बढ़ा तो रफा करो, ये सुन्नत। और उन्होंने कहा कि ये जो रफा है हाथ उठाना ये जीनत है नमाज की, और बेटी के लिए जब से वो सियानी हो जाती जेवर बना बना कर रखना शुरू करते हैं, जो शादी करीब आती है एक जेवर पहनाया दूसरा पहनाया वो शादी के दिन लाद देते, तो ये रफा जो है नमाज का जीनत है, जेवर है। पहले नहीं था, बच्ची छोटी थी जेवर नहीं था, बच्ची बड़ी हुई भी जेवर बनाकर बना बनाकर पहनाना शुरू किया। और वो करीना ये बताते हैं कि सहाबा ने रफा यदन किया है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रफाए जन करते थे, अब्दुल्ला इब्न जुबैर रफाए जन करते थे, अबू हुमैद साइदी ने रफाए जन किया है। अगर ये हुक्म खत्म है तो ये सहाबा कैसे रफाए जन करते? ये बात भी ठीक कह रहे, इन्होंने जो बात कही थी वो भी ठीक है। अब माओ शुमा क्या करें, बड़े दो इमामों ने जो बात कही वो भी 52 तोला पाव रखती है, चारों खुलफा ने रफा नहीं किया, तो दूसरे दो इमामों ने जो बात कही वो भी सही है कि अगर रफा खत्म था तो सहाबा ने कैसे किया। अब ऐसी सूरत में हमारे लिए क्या हुक्म है, जिसको जिससे अकीदत हो, जिसको तुमने अकीदत का हार पहना रखा है, उसने हदीसों को जिस तरह से सॉर्ट आउट किया है उस तरह से मानो और अमल करो, इसके अलावा मुझे कोई बतलाया रास्ता क्या है? इन हदीसों को सॉर्ट आउट करना अइम्मा में इख्तिलाफ हो गया, हम क्या उसको सॉर्ट आउट करेंगे? हमारे बस का नहीं उसको तस्लीम करना, तो अब सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं कि जिसको जिस इमाम से अकीदत है उस इमाम ने इन हदीसों को जिस तरह से आगे पीछे किया है उसी तरह से मानो और अमल करो। एक ऐसे मैंने मिसाल दी, ऐसे और बहुत से मसाइल जिनमें रिवायत में इख्तिलाफ है, और पहले की रिवायत कौन सी है, बाद की रिवायत कौन सी है, इसको तय करने में इमाम में इख्तिलाफ हो गया।
मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत सारी मिसालें नहीं दे रहा। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये काम किया बिल यकीन, लेकिन क्यों किया, क्यों किया, इसके जवाब में इख्तिलाफ हो। कभी भी इख्तिलाफ नहीं होता, इत्तेफाक होता। जैसे बुखारी शरीफ में रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मरतबा ये कौम की पूरी पर तशरीफ लिए गए, खड़े होकर पेश आए। तमाम अइम्मा मुत्तफिक हैं कि ये हुजूर ने माजूरों के लिए हुक्म दिया नहीं, इसीलिए इधर उधर पेशाब नहीं किया। कौम की कूड़ी पर जाकर, कूड़ी गंदी जगह होती है, ऐसी गंदी जगह है, बैठने की कोई सूरत नहीं है, तो क्या करेगा। या कोई ऑपरेशन हुआ है, बवासीर का ऑपरेशन हुआ है, बैठा नहीं जा रहा, तो क्या करेगा। ये माजूरों के लिए हुक्म बयान किया है, इसलिए चारों इम्मा के यहां खड़े होकर पेशाब करना बगैर उज्र के, बगैर उज्र के खड़े होकर बैल की तरह मूंदना, ये मकरूह तहरीर नहीं। तो वो हदीस में, हदीस है मगर उस हदीस के बारे में चारों इम्मा कहते हैं कि माजूर कब। या और मिसाल लो, हुजूर एक मरतबा अपनी नवासी को कंधे पर बिठा कर तशरीफ लाए, पूरी नमाज हुजूर ने बच्ची को कंधे पर बिठाए बिठाए नमाज पढ़ाई। जब सजदे में रुकू सजदे में जाते थे तो बच्ची को नीचे बिठा देते, अगली रकात में फिर वही बिठाते। तमाम अइम्मा मुत्तफिक हैं कि ये हुजूर ने इमरजेंसी अहवाल के लिए मसला बयान किया है। आदमी ऐसी जगह है कि वहां चोर डकैतों का, उचक्कों का डर है या दरिंदों का डर है, बच्चे को बिठा कर नमाज पढ़ाएंगे, दरिंदा उचक ले जाए, ऐसी सूरत में बच्चे को गोद में लेकर नमाज पढ़ो। घर में माँ है, बच्चा और कोई नहीं है, बच्चा बिगड़ गया, रोता है रोता है, माँ से अलग नहीं होता, तो माँ नमाज कज़ा करेगी नहीं, बच्चे को उठा कर नमाज पढ़ो। एक शर्त है, बच्चे के बदन और कपड़े पाक, नेपी न बांध रखी हो जिसमें एक किलो नजासत होती, बदन और कपड़े पाक होने चाहिए, फिर उठाकर बोलो नमाज। तो ऐसे इमरजेंसी के लिए हुजूर ने ये जिंदगी में एक मरतबा अमल किया है। हुजूर के 9 घर थे, क्या इस बच्ची को 10 मिनट रखने वाला कोई नहीं था। और मदीना के सारे सहाबा शमा के परवाने थे, क्या उस मदीना में इस बच्ची को 10 मिनट रखने वाला कोई नहीं था। नहीं, हुजूर बिल्कुल बच्ची को उठाकर लेकर आकर नमाज पढ़ाई ताकि मसला वाजे। तमाम अइम्मा इस पर मुत्तफिक थे, लेकिन कभी कभी इख्तिलाफ हो जाता है। हजरत वाइल इब्न हुजर एक सहाबी हैं यमन के, वो मदीना मुसलमान हुए, मदीना आए और हुजूर के पास 20 दिन ठहरे, 20 दिन के बाद चले गए। मुअज्जज मेहमान था, जब वो 3 दिन के फासले पर रह गए तो हुजूर ने सहाबा को खुशखबरी सुनाई, यमन का एक ठाकर आ रहा है, मुसलमान हो गए। और इलाके का बड़ा आदमी मुसलमान होता है तो इस्लाम तेजी से फैलता है। तो सहाबा सब मुंतजिर, हजरत वाइल आए तो हुजूर ने जहां उन्होंने मुंह बिठाया था वहां तक जाकर हुजूर ने इस्तकबाल किया और अपनी वो चादर जो कुत्ते की जगह पर ओढ़ी थी उसे बिछा कर उनको बिठाया, रिस्पेक्ट किया। और हुजूर के बिल्कुल पीछे अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के लिए सहाबा जगह खाली छोड़ते, देखो मस्जिद में रिजर्वेशन जायज थी, लेकिन अगर नमाजी कोई जगह किसी के लिए खाली छोड़े तो जाएगी। तो वो दो जो पीछे जगह थी वो भी दोनों हटे और उनके बीच में हजरत वाइल खड़े रहे। तमाम नमाजें उन्होंने हुजूर के बिल्कुल पीछे पड़ी। वो ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो सूरह फातिहा खत्म की
रही गई मौजूद अलीन वालों बाद लीन तक पहुंचे तो आवाज खींच कर आमीन कही, सिरन नहीं जहरन आमीन कही, और इतनी आवाज खींच कर जहरन आमीन कही कि समय तो आना कल हो। मैंने वो आमीन सुनी दरवाजे के हुजूर के बिल्कुल जस्ट पीछे खड़ा था, और एक रिवायत में है कि तीन मर्तबा कही, आफी इब्न हजर अलैहि रहमान ने कहा कि तीन मर्तबा यानी तीन नमाजों में कही। जब 20 दिन कह रहे हैं तो रोजाना तीन नमाजें जरूरी है, तो 60 नमाजें उन्होंने हुजूर के पीछे पढ़ी, उन 60 में से तीन नमाजों में हुजूर ने जहरन कही। और एक किताब में दुलाबी की किताब अस्मा वल कुना है, उसमें यह है कि मा उराहु इल्ला लियुअल्लिमना, मैं जहां तक समझता हूँ वो हुजूर ने मुझे नमाज सिखलाने के लिए जोर देते। यही एक हदीस है जिस पर सारा मतलब। अब इमाम आजम और इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फैसला किया कि ये काम और रीजन था, खास वजह से हुजूर ने किया था, जो मेहमान आया उसकी तालीम के लिए किया, नमाज की सुन्नत नहीं। बस एक मरतबा हजरत फारूक आजम के जमाने में इराक से एक वक्त आया दीन सीखने के लिए, उस दिन हजरत फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन थे, उन्होंने नमाज पढ़ाई तो सना भी जोर से पढ़ी। दूसरे दो इमामों ने कहा नहीं, ये नमाज की सुन्नत है जोर से आमीन कहना। उनकी दलील क्या है? उनकी दलील ये है कि सहाबा के आखिरी दौर में आमीन जोर से कहने का सिलसिला शुरू हुआ, अगर ये जायज न होते तो सहाबा उसे रुकवाते। अब ये भी ठीक कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं। ये दो इमाम कह रहे हैं कि हुजूर ने जो जहरन आमीन कही थी वो एक खास वजह से थी, और जो खास वजह से अमल होता है वो सुन्नत नहीं होता। जैसे जोहर और असर में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गाह बगा कोई आयत जोर से पढ़ते ताकि मुक्तदियों को पता चल जाए कि हुजूर जोहर और असर में कौन सी सूरतें पढ़ रहे हैं। आज दुनिया में कोई इमाम जोहर और असर में कोई आयत जोर से नहीं पढ़ता। तो हदीस से तो हुजूर जोर से पढ़ते थे, फिर आज अइमा क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए नहीं पढ़ते तो हुजूर में जो जोर से पढ़ते थे वो तो मुक्तदियों की तालीम के लिए था, तो जोहर में फला सूरत हुजूर पढ़ रहे हैं, असर में फला सूरत पढ़ रहे हैं, ये सुन्नत नहीं है। दूसरे दो इमाम कहते हैं कि नहीं, ये नमाज की सुन्नत है और इमाम और मुक्तदियों को सबको जोर से आमीन कहनी चाहिए, आहिस्ता आमीन नहीं कहनी चाहिए। अभी इख्तिलाफ हो गए। हदीस एक ही है, हजरत वाइल इब्न हुजर की, दो इमाम कहते हैं कि हुजूर ने जोर से आमीन कही थी हजरत वाइल की तालीम थी, दो इमाम कहते हैं ये नमाज की सुन्नत। अब ऐसी सूरत में हम क्या करें? हमारे लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आपको आपने जिस इमाम को अपनी अकीदत का हार पहना रखा है वो जो हदीस की वजह बयान करे उसका फॉलो करो। अंतिम मालिक की हो तो सिरन आमीन को, शाफी हम्बली है तो जहरन को, कोई मुझे बताए कि इसके अलावा रास्ता कौन सा? कोई रास्ता नहीं। ये दूसरी किस्म के मसाइल। पहला, रिवायात में आयतों में तारुज नहीं, अहादीस में तारुज हो, उन तारुज को कैसे आगे पीछे किया जाए, हल किया जाए। दूसरा, हदीसों में हुजूर का एक अमल आया,
वो अमल किसी वजह से है या सुन्नत है इसके तय करने में इख्तिलाफ हो जाए। और तीसरे मसाइल है इस्तिंबाती मसाइल। देखो दरिया में मोती ऊपर सतह पर तैरते नहीं, सेहने बैठे हुए होते हैं मोती। मोतियों को निकालने के लिए हर आदमी दरिया में डुबकी नहीं लगा सकता, उन्हें जाएगा कहीं से कहीं। उसके लिए तैराक बुलाने पड़ेंगे, माहिरीन बुलाने पड़ेंगे, हायर करने पड़ेंगे और वो जाएंगे डूब कर मोती निकाल कर लाएंगे। इसी तरह से मेरे भाइयों समझो कि कुरान और हदीस में बाद मसाइल जाहिरी सत्ता पर नहीं, उन नुसूस में डूबना पड़ेगा और डूब कर वो मसाइल लाने। और जब डूब कर जाएंगे तो किसी के हाथ में सीप आएगी, किसी के हाथ में कंकर आएगा और दोनों उजरत के मुस्तहिक होंगे। जो सीप लेकर आया उसको भी उजरत मिलेगी, जो कंकर लेकर आया उसको भी उजरत मिलेगी। एक बार तलुकी लगाकर आओ $5, तो तलुकी लगाकर आया हाथ में सीप लेकर आया उसको भी $5 मिलेगा, तो कंकर लेकर आया उसको भी $5 मिलेगा। जो उन्होंने कम किए उसके गए थे, जो मिला वो लेकर आया, क्या लेकर आया उसे क्या बहस। आप बहुत ज्यादा संजीदा हो, एक लतीफा सुनो, एक बोगस बात है, रियल नहीं। कि सिकंदर आबे हयात की तलाश में अंधेरे में गए थे, ये सब बोगस बात है। आबे ऐसा कोई आबे हयात नहीं है, वो नहरे हयात जन्नत में है, दुनिया में कोई आबे हयात नहीं है। अंधेरे में गए, घटा तो अंधेरा, 40 आदमी गए थे सिकंदर और उसके साथ 40 आदमी, खिजर भी उन्हीं में थे। रास्ते में नीचे कुछ चमक रहा है तो आवाज आई कि जो लेगा वो भी पछताएगा, नहीं लेगा वो भी पछताएगा। तो बाद में कहा हर हाल में पछताना है तो क्यों गोली था डोए, और बाद में कहा कि जब हर हाल में पछताना है तो ले ही ले। तो उन्होंने घोड़े पर बैठे बैठे झुक कर नीचे हाथ मारा तो कंकर आए, खुर्जी में डाल दिए, खुर्जियां भर ली। जब अंधेरे से बाहर आए तो देखा तो वो तो बड़े कीमती हीरे थे, तो इन्होंने नहीं दिए थे, उन्होंने कफे अफसोस मला कहा हमने नहीं दिए, और जिन्होंने लिए थे उन्होंने कफे अफसोस मला कि हमने एक ही खुर्जी क्यों भरी, दूसरी तरफ की खुर्जी क्यों नहीं भरी। तो दरिया में जब डूब कर जाते हैं और हमने आदमी हायर किए, एक बता होता चला जाओ ढूंढ कर लाओ जो है $5 मिलेंगे एक बोते, जिसके हाथ में सीप आई और उसमें मोती निकला वो भी $5 लेंगे, और जिसके हाथ में सीप जैसा कंकर आ गया वो कंकर लेकर बाहर आ गया तो उसको भी $5 मिलेंगे। बहरहाल दरिया में से मोती निकालने के लिए आपको तैराक हायर करने, उसके बगैर आप मोती तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसे कुरान और हदीस में जाहिरी सत्ता में वो मसले नहीं, उसके कहने जाओ और मसले लाओ। ऐसे मसाइल कहलाते हैं इस्तिंबाती मसाइल। मैं एक मिसाल दूं इसकी, सूरह मायदा के दूसरे रुकू में आयत वुजू आई, वुजू कैसे करना। दुनिया के तमाम मुसलमान अनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, सब उस आयत के मुताबिक वुजू करते, कोई उसके खिलाफ वजू नहीं करता। लेकिन उस आयत में 5 मसलों में इख्तिलाफ हो, क्यों वो 5 मसले इस्तिंबाती थे। सबसे पहला मसला तो ये आया कि जो आयत में तरतीब है उसी तरतीब से वजू जरूरी है
या पहले पैर दो डाले बाद में दो बाकी उर्दू किया तो उर्दू हुआ या उसी तरतीब से उर्दू करनी है। हजरत इमाम शाफी अलैहिर्रहमान ने कहा उसी तरतीब से उर्दू करोगे तो उर्दू होगा, तरतीब बिगड़ गई उर्दू नहीं होगा। और बाकी तमाम अइम्मा ने कहा कि नहीं, तीन आज़ा धो डालो, सर पे मसा कर लो, उर्दू हो गए, तरतीब कोई जरूरी नहीं। ये इख्तिलाफ क्यों हुआ? ये इख्तिलाफ इसलिए हुआ कि वाव आया और उसे वुजूहकुम हुआ अइदियकुम वमसहु वअर्जुलकुम, तो ये वाव मुतलक जमा के लिए है या तरतीब के लिए? हजरत इमाम शाफी अलैहिर्रहमान का ये वाव तरतीब के लिए, ज्यादा तरतीब से वजू करना जरूरी है। पूरी उम्मत मुस्लिमा तरतीब ही से वजू करती आई, तो वाव तरतीब के लिए है और उम्मत तरतीब से वजू करती है, ज्यादा तरतीब फर्ज है। दूसरे तीन इमामों ने कहा कि नहीं, वाव मुतलक जमा कर लिया, ज्यादा कैसे भी तीन आजा दो डालो, सत्य मसा कर लो, वजू हो गए। अब वाव में तो कुछ लिखा नहीं, वाव के माथे पर तो कुछ लिखा नहीं तो तरतीब के लिए है जमा के लिए, और लोहत में देखोगे तो दोनों कॉल मिलेंगे। अब क्या करें, ये इस्तिंबा की मसला है, आयत में नहीं है, आयत में वाव कैसा है इसमें से मसला निकाला। दूसरा मसला, नमाज पढ़े तो नीयत जरूरी है, अगर नीयत के आप नमाज पढ़ोगे तो नियम नमाज नहीं होगी। हदीस शरीफ में है इन्नमल आमालु बिन्नियाति या बिन्नियति, वुजू और गुस्ल में नीयत जरूरी है या नहीं? इमाम शाफी अलैहिर्रहमान ने फरमाया उसमें भी जरूरी है। खेत में हल चला रहा था, जोर की बारिश हुई, सारा भीग गए, अब हल रोका, नमाज पढ़ना चाहता है, इमाम शाफी अलैहिर्रहमान फरमाते वुजू कर की नमाज पढ़, और ये सारा जिस्म भीग गया, वुजू नहीं हुआ, नहीं हुआ नियत का भी। एक आदमी जुनूबी का तालाब के किनारे खड़ा था, बंगाल में बहुत तालाब है, उसका एक दोस्त आया, उसने मजाक में धक्का दिया, तालाब में चढ़ा, डूब की खाकर निकल आया, तो गुस्ल जनाबत का हुआ या नहीं हुआ? इमाम शाफी अलैहिर्रहमान फरमाते नहीं हुआ, क्योंकि नियत का। और दूसरे तमाम अइम्मा कहते हैं कि गुस्ल हो गया, वुजू हो गया। ये इख्तिलाफ किस बुनियाद पर हुआ? वो इन्नमल आमालु बिन्नियात, इस हदीस का सर्कल दायरा कहां तक? तमाम अइम्मा कहते इबादत से मकसूदा इसके दायरे में, और वुजू और गुस्ल इबादत से मकसूदा नहीं है, वो तो नमाज के लिए इबादत बन। तो जो इबादत गैर मकसूदा है वो इन्नमल आमालु बिन्नियात के दायरे में नहीं। हजरत इमाम शाफी अलैहि फरमाते हैं इबादत मकसूदा इसके दायरे में, तो गैर मकसूदा भी इसके दायरे में। अब ये इख्तिलाफ है कि वुजू में नियत, गुस्ल में नियत जरूरी है या नहीं, यानी वुजू गुस्ल उस हदीस के दायरे में सर्कल में आता है या नहीं आता है? ये इस्तिंबाती मसला है। एक इमाम कहते हैं आता है, तीन इमाम कहते हैं नहीं आता। अब ऐसे मसाइल में हम क्या करें? जिसको जिससे अकीद है तो उसका फॉलो करो। तीसरा मसला, फरमाया कोहनियां धो अस्तग़फिरुल्लाह, हाथ धो कोहनियों तक। तक का क्या मतलब? मैं कहूं कि मेरी जगह यहां से दीवार तक है, तो दीवार मेरी है या नहीं? तक का क्या मतलब? अल्लाह ने फरमाया हाथ धो कोहनियों तक, पैर धो टखनों तक। इमाम जोफर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कोहनियां धोनी जरूरी नहीं है, टखने धोने जरूरी नहीं है, मेरी जगह दीवार तक है, दीवार मेरी नहीं है। कोहनियां हाथों से धोने से खारिज हैं,
दफने पैर धोने से खारिज। ये इमाम जुफर कहते हैं, ये इमाम आजम के जलील कदर शागिर्द हैं। इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के बाद तीसरा नंबर उन्हीं का है। और फिर के हनफी में 12 मसलों में इमाम जुफर के तौर पर फतवा है। वो ये कहते हैं और चारों अइम्मा कहते हैं कि नहीं, वहमिया भी धोनी जरूरी, रखने भी धोना जरूरी। वो कहते हैं कि गायब मुगैया में दाखिल है, दीवार नहीं है। अब ये भी ठीक कहते हैं, ये भी ठीक कहते हैं। मैं कहूं कि मेरी जगह यहां से दीवार तक है, दोनों है, वो एहतमाल है। दीवार मेरी है, दीवार मेरी नहीं है, दोनों एहतमाल है। ये इस्तिंबाती मसाइल कहलाते हैं। ऐसे मसाइल में हम क्या करें? चौथी मिसाल में वजू में तीन आज़ा धोने हैं, सर पे मसा करना, कितने सर पे? इमाम मालिक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं पूरे सर पे, एक बाल भी मसा से खाली नहीं रहना चाहिए, वजू नहीं हो। बल्कि दुबई में एक मालिकी आलिम है, वहां यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, मालिकी है, उसने मुझसे बयान किया कि औरत के लिए पूरे सर पे मसा करके जो मुस्तरसल बाल है उस पर भी आखिर तक मसा करना। मैंने कहा भैया तू ये कहां से मसला लाया, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। उसने कहा हमारी किताबों में है, दिखाओ। वो फिर मुलाकात ही नहीं हुई। तो आखिर लंबे बाल आखिर तक मसा करना, वरना वजू नहीं होगा। इमाम मालिक अली रहमा की राय है, और इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद रहमहुल्लाह की राय ये है कि क्वार्टर सर का मसा कर दो, वजू हो। पूरे सर का मसा करना सुन्नत पे मुस्तमिल रहा, लेकिन फर्ज है चौथाई सर का मसा कर। तो हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि नहीं, तीन बाल का मसा कर लो काफी, वजू हो गए। अब ये सारा इख्तिलाफ, ये जो कुरान में आया वंशहु बिरुसिकुम, इससे समझने में इख्तिलाफ है। इमाम मालिक अलैहि रहमा कहते हैं बात जायदा है, और तुम अपने सरों पर हाथ फेरो भीगे हुए, यानी पूरे सर पर फेरो। होता ये बात जाहिर है, बात जाहिर आती है। दूसरे इमाम ने कहा बा जाहिद नहीं है, बा बमाना बाज है, बा कबीज है। सारे सर पर मसा जरूरी नहीं है, कुछ हिस्से पर मसा जरूरी है। कितने हिस्से पर? दो इमामों ने, इमाम आजम ने और इमाम अहमद ने कहा। एक हदीस, तबूक के सफर में एक मरतबा, जिंदगी में एक मरतबा हुजूर ने सर पे पगड़ी बांध रखी थी और वजू फरमाया तो पगड़ी पीछे हटाकर सर के अगले हिस्से पर मसा किया, पगड़ी ठीक कर ली। जब जिंदगी में एक मरतबा पूरे सर पर मसा नहीं किया, बात पर मसा किया है, बलवा पूरे सर पर मसा जरूरी नहीं है, पर आयत में बात अभी इसके लिए। और कितने पर जरूरी है? हुजूर ने चौथाई सर का मसा किया है, सामने के जो बाल है वो नातियां है। अगर इससे कम होता तो जिंदगी में एक मरतबा हुजूर अमल करके दिखाते, इससे कम मसा कभी नहीं किया। हजरत इमाम शाफी अलैहिर्रहमा ने फरमाया ये पहली रिवायत है, पहली रिवायत से फर्जियत साबित नहीं होती। ये कायदा है, आप नहीं समझे, ये हुजूर का एक अमल है, फर्जियत साबित नहीं होती। और वो कहते हैं कि बास तबीज दिया है तो बास सर पर तीन बालों पर मसा कर लोगों के मसा है पर अमल हो गए। और इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद कहते हैं फैल से फर्जियत साबित नहीं होती, फैल से अदम है फर्जियत साबित होती, यानी चौथाई सर से ज्यादा मसा फर्ज नहीं है, ये बात फैल से साबित होती है। अब देखो, अब ये सारा
वंशहू के रूह से पुण्य बात कैसी, इसमें सारा झगड़ा खड़ा हो। और हरिमान जो बात कहता है वो अकल कबूल करती, बस ऐसी सूरत में माँ ओशुमा क्या करें। जिसको जिस इमाम से अपनी दत है वो जो आयत का मतलब समझाए उस पर अमल करो, उसके अलावा कोई रास्ता क्या है, कोई बताया मुझे। पांचवा मसला, वह अर्जुल कुंभी तैरात है और वह अर्जुल कुंभी तैरात। पैरों का क्या हुक्म है? शिया कहते हैं कि नंगे पैरों पर मसा करें, पैर धोने नहीं, और वो अर्जुल कुंभ पढ़ते हैं। वो कहते हैं वजू में दो आजा धोने और दो आजा पर मसा करना, सबसे मसा करो पैरों पर मसा करो, वो अर्जुल कुंभ पढ़ते। और अहलुस सुन्ना वल जमा अर्जुल कुंभ पढ़ते हैं, हमारे कुरान में अर्जुल कुंभ लिखा हो। वो कहते हैं तीन आजा धोने हैं, सिर सर पे मसा करना, और अर्जुल कुंभ का अक्सर वजू हुकुम पर है, रोज हुकुम पर नहीं। तो दूर भी अर्थ होता है, करीब भी अर्थ होता है। जो शिया कहते हैं कहते हैं, अहले सुन्ना कहते हैं कहते हैं, अब हम क्या करें? शियाओं की माने या अहले सुन्ना की माने? जब हम अहले सुन्ना है तो अहले सुन्ना की मानेंगे, इसी का नाम तकलीद है। ये मैंने मिसालें दी कि आयत वुजू में पांच मसले इस्तिंबा किए, उस आयत में अंदर तहने डूब कर तहने जाकर वो मसले निकाल कर लाने, और उनमें हो गया इख्तिलाफ। बस ऐसी सूरत में जिसको जिससे अकीदत है उसी की फॉलोइंग करनी पड़ेगी, तकलीफ करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं मिल जाएगी। तो ये तीन किस्म के मसाइल, हदीसों में तआरुज हो तो हदीसें शॉर्ट आउट कैसे की जाए, शॉर्ट आउट करने में इख्तिलाफ हो जाए तो तकलीफ करो, हदीस में जो अमल है वो सुन्नत है या किसी रीजन से, इसमें इख्तिलाफ हो जाए तो जिसको जिससे अकीदत हो उस पर अमल करो। इसी जेल में ये सूरत भी आती है कि कुरान की एक आयत समझने में इख्तिलाफ हो गया, एक हदीस के समझने में इख्तिलाफ हो गया, किन अइमा कुरान करीम में है औलामस्तुम निसा, दो इमाम कहते नहीं, इमाम आजम अकेले कहते हैं इस आयत में गुस्ल वाजिब होने का बयान रहेगा, अगर कोई बीवी से सोहबत कर ले तो गुस्ल टूट जाएगा, नया गुस्ल वाजिब। और तीन इमाम कहते हैं नहीं, गुस्ल का बयान नहीं है, वुजू टूटने का बयान है, अगर कोई किसी औरत को हाथ लगा दे या औरत मर्द को हाथ लगा दे तो वुजू टूट गए। और लामस तुमुन निसा का ये मतलब है जो इमाम आजम कहते हैं, या लामस तुमुन निसा का ये मतलब है जो तीन इमाम कहते हैं, दोनों का इस्तेमाल है। और ये नस्लवी का इख्तिलाफ है, ये मतलब भी हो सकता है, ये मतलब भी हो सकता है। एक बत्ती को सुनो, जहन बोझल हो गया आपको। लंदन में मेरा एक खादिम अंसारी भाई नाम कोकन का है, स्टामफोर्ड हिल की मस्जिद के से करीब उसका घर है, उसकी बीवी भी कोकनी है, बीवी शाफई है और शोहर हंसी। वो बेचारी बनी औरत है, मेरे यहाँ मेहमान आए फौरन कहलवाया, चाय नाश्ता आ जाता है, इसलिए मैं उस घर से बेदखल लूँ। एक मरतबा उसका पर्चा आया मेरे पास कि आपके खादिम अंसारी भाई मुझे बहुत परेशान करते। वो करता क्या था? बीवी तो शादी है, वो वजू करके जब नमाज के लिए तैयार हो हुई उसने किसी बहाने बुलाया, गाल पे हाथ रख दिया, बेचारी का वजू टूट गया।
नमाज पढ़ रही है बाबू साहब गल पे आप बेचारे की नमाज भी टूट गई, वो भी टूट गई, भाई आपका खादी मंसारी जो है मुझे बहुत परेशान करता है। तो मैंने संसारी से कहा क्यों परेशान करता है अभी, कहने लगे वो मुझे बहुत परेशान करती है। बोले तुझे क्या परेशान करती, कहने लगे जिंदिया लाती और पका करके मेरा मुंह चूड़ा चूड़ा कर खाती। मैं कहता हूँ जिंदिया हराम है, मुझे मानती नहीं। तो उसके घर पे मियाँ बीवी को बिठाकर कंप्रोमाइज करवाया और शौहर से कहा खबरदार जो तूने इसकी उर्दू तोड़ी, और उससे कहा तुझे इस घर में झिंगे नहीं लाने, तुझे झिंगे खाने और अपने सही भी किया जाकर पका कर खा, इस घर में झिंगे मत ले। तो तीन इमामों के यहाँ औरत मर्द को हाथ लगा दे या मर्द औरत को हाथ लगा दे, उर्दू भी आता आयत से यही मतलब समझते हैं। इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमतुल्लाह कहते हैं ये मतलब नहीं है, वो ये कहते हैं ला मस्तुम बाबे मुफाला। आप हजरत भी समझेंगे, उलमा समझेंगे, ला मस्तुम बाबे मुफाला है, पर बाबे मुफाला में दो शख्स मिलकर कोई काम करते हैं। तो मर्दों ने औरतों को पकड़ा और औरत ने मर्द को पकड़ा, ऐसा कब होता है? इंटरकोर्स में जब दोनों फारिग होते हैं उस वक्त मर्द औरत को दबाकर पकड़ता है, औरत मर्द को पकड़ता है। तो इस आयत में गुस्ल वाजिब करने का बयान है कि सोहबत इस मरहले तक पहुंच जाएगा, ये उसे पकड़े, ये उसे पकड़े। ये खूबसूरत जुबान है, इंजाल हो बूंदी जुबान है, कुरान के शायन निशान नहीं है, इसके आला शानदार जुबान इस्तेमाल की। या एक मिसाल दो, नबी ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद गुजारों से फरमाया सलातुल लैल मतना मतना, रात की नमाज दो 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 रकअतें हैं, यानी चार की नियत मत बांधो, दो की नियत बांधो, दो पर सलाम फेरो, क्योंकि सहाबा हुजूर की तरह लंबे तहज्जुद पढ़ते थे, चार पढ़ोगे थक जाओ, दो पढ़ो सलाम करो, टांगे न पसारो लंबी करो, थर्मस में चाय रखी हो पियो मगर उसके बाद बीड़ी मत पी, चाय ही पियो, ये थोड़ी देर आराम करके फिर अगली दो रकातों की नियत बांधो, सलाह तुम ले ले मत ना मत। अब ये जो हुक्म है रात में आप दो 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 नफले अलग अलग सलामों से पढ़े, ये मसला है या मसलहत है? तीन इमाम और तीन इमाम ने हमारे साहेबन भी उनके साथ गए, ये मसला यहां से इख्तिलाफ हो गया तो चार नफले एक सलाम से पढ़ना जायज है या नहीं, दिन का क्या हुक्म है, रात का क्या हुक्म है, बड़ा झगड़ा है। बड़े मियां आए, इमाम आजम आए, उन्होंने कहा ये मसला नहीं, ये मसलहत है, ये तहज्जुद गुजारों के लिए कैसे देती है सहूलत है, दो दो पर सलाम के रहेंगे तो उनके लिए राहत, ये मसला नहीं है। दलील, इमाम आजम ने कहा दिन में रुबाई फर्ज है, रात में भी रुबाई फर्ज है, जोहर की चार रकात एक सलाम से, असर की चार रकात एक सलाम से, ईशा की चार रकात एक सलाम से, और फराइज गैर औला है पर नहीं हो सकते। और नबी ये बात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जोहर से पहले की चार सुन्नतें एक सलाम से पढ़ते, बस नबी का गा बगा का फैल तो गैर औला कह सकते हैं, और वो भी दूसरों के लिए गैर औला, हुजूर ने जो खड़े होकर पेशाब किया था हुजूर के लिए गैर औला नहीं, वो तो तशरीह के लिए किया था, लेकिन हुजूर का हमेशा का फैल उसको खैर औला कैसे कहो, हुजूर जोहर से पहले एक सलाम में चार रकातें पढ़ते, लिहाजा अफजल रात में भी दिन में भी चार नफले एक सलाम से पढ़ना अफजल। और ये हदीस तहज्जुद गुजारों के लिए कैसे लेती है, राहत से आराम।
अब देखो इख्तलाफ हो गया, इमाम आजम यूं कहते हैं, बाकी सारा हवा का हवा यूं कहता है। फिर आगे बढ़ो, फिर आया पैदा सिर्फ सुबह तो बेरा कर। फिर जब तुम्हें ये अंदेशा हो कि अब सुबह सादिक होने वाली है, किसको तहजुद्दुरा सुबह सादिक होने वाली है, आज तो घड़ियां है यकीन तो अब मालूम है कि इतने बजे पर इतने मिनट पर सुबह सादिक होगी, उस वक्त घड़ियां कहाँ थी, आसमान देख कर अंदाजा करते थे। तो जब तुम्हें अंदेशा लाहिक हो चले कि अब सुबह सादिक होने वाली है, तो आओ रथ अतिन, बस एक रसत के जरिए ताप बोला। वो लफ्ज जानते हैं ओड जीवन ताप बनाओ, एक रसत के जरिए ताप बनाओ। किसको ताप बनाए? तीन अइमा ने कहा जितना तहज्जुद पढ़ा है सारे तहज्जुद को ताप बना, और अब एक रकात अलग सलाम से पढ़ो। तो ये एक रकात तहज्जुद के मजमूए में मिल करके सब ताप हो जाए। हनफिया ने कहा ये मतलब नहीं है, अब जो खड़े होकर नीयत बांधो तो दो की नीयत मत बांधो, तीन की नीयत बांधो, और एक को दो के साथ मिला करके तीन रकात मित्र पढ़ो। और फिर ये जो तीन रकात वित्र हैं ये रात की नमाज में सब मिल करके ताक बने, जैसे मगरिब की नमाज दिन की नमाजों को ताक बनाती, तो मगरिब की नमाज एक सलाम से तीन रकातें पढ़ते हैं, फिर वो तीन रकातें दिन की नमाजों में मिलकर सारी नमाज ताक हो जाती है। ऐसे अब तीन रकातें एक सलाम से पढ़ो, वो तहज्जुद के साथ मिलकर रात की सारी नमाज ताक हो जाए। तहज्जुद की नमाज को ताक बनाना है या दो रकातों को ताक बनाना है? तीन इमामों ने कहा एक रकात अलग पढ़ो, वो तहज्जुद की नमाज में मिल करके पूरी तहज्जुद ताक हो जाए। नफिया ने कहा हदीस का ये मतलब नहीं, हदीस का मकसद है कि आप दो की नियत मत बांधो, तीन की नियत बांधो, और तीसरी को दो के साथ मिलाकर इन तीन रकातों को वित्र बनाओ, वित्र हफ्ते की पढ़ लो। अब औतिक दे रखा दिन का ये मतलब भी हो सकता है, और औतिक दे रखा दिन का ये मतलब भी हो सकता है। तो ऐसी सूरतें जब पेश आए तो फिर तकलीफ के अलावा चारा क्या है? और जो इस इस्तिंबाती मसाइल है जो नुसूस की तह में जाकर निकाल कर लाए गए हैं, उनमें सिवाय इसके क्या चारा है कि जिस इमाम ने जो मसला निकाला है उस दूसरे पर अमल करो। मैं समझा रहा हूं कि तीन किस्म के मसाइल में तकलीद है और तकलीद के अलावा कोई चारा ही नहीं और कोई रास्ता ही नहीं, और 80% मसाइल जो फेका से हैं उसमें किसी की तकलीद नहीं, अल्लाह रसूल की तकलीद है। सारी दुनिया के मुसलमान सूरह मायदा में जो आयत आई उसी तरह उर्दू करते हैं कि इमाम अबू हनीफा का कुछ उर्दू अलग है, इमाम शाफी का कुछ उर्दू अलग है, नहीं है। सूरह मायदा में जो आया था उसी के मुताबिक उर्दू करते। अब आखिरी बात मैं अर्ज करूं, वो ये सवाल कर रहे कि तकलीद क्यों वाजिब फर्ज है, और तकलीद अगर फर्ज है तो एक खास इमाम की तकलीद क्यों फर्ज है, तकलीद शख्सी क्यों फर्ज है? सहाबा और ताबीन के दौर में तो जो आलिम मिल जाता था उसे मसला पूछ लेते थे, अमल करते थे, आज ऐसा क्यों नहीं है? कोई भी आलिम मिल जाए मसला पूछ लो अमल करो। हनफी है तो हनफी मुफ्ती से मसला पूछे, शाफी है तो शाफी मुफ्ती से मसला पूछे, वाय यानी तकलीद क्यों फर्ज है और तकलीद शख्सी क्यों फर्ज है, ये दो सवाल रह जाते हैं। तो मेरे भाइयों एक कायदा समझो, वाजिब लेगाते ही की दलील पूछने का हक, तो हम दलील बताएं कि वित्र वाजिब है क्यों, तो हम 20 हदीसें ला कर रखेंगे, ले जैसे 20 हदीसें,
लेकिन वाजिब गई रही की दलील पूछने का हक नहीं थी। तो वाजिब गई रही है, गैर की वजह से वाजिब हुआ है, वह दलील पूछने का हक नहीं है। वो जो गैर है इसमें गौर करो, उसमें वजूद की सलाहियत है या नहीं। तुम्हारी समझ में सलाहियत आए तो मान लो, न समझ में आए तो गोम सफा हुआ खामा खा दिमाग पाशी करने से क्या फायदा। तो वो जो गैर है उसमें गौर करने के बाद तुम्हारी समझ में वजूद आ जाए तो मान लो। इसी तरीके से मन ही अनुकूल भी दो तरह से, ये गाती ही और ले गई भी। जो मन ही अनुकूल यानी ममनू, जो काम ममनू है वो भी दो तरह के हैं, ले गाती ही और ले गई भी। जो ले गाती ही ममनू है उसकी दलील पूछो, हम दलील देंगे। तो बिना हराम है क्या दलील है, दलील देंगे। लेकिन जो चीज ममनू है ले गई भी, उसकी दलील पूछने का हक नहीं। वो गैर जिसकी वजह से ममानियत आई है उस गैर में गौर करो, अगर उसमें सलाहियत है ममानियत की तो मान लो ममानियत, और तुम्हारी समझ में सलाहियत समझ में ना आए तो कौन। ये कायदा कुल्लिया समझ लो, जितने वाजिब ले जाती हुई है उनकी दलील पूछो और बताए। वाजिब ले गई भी की दलील नहीं होती है, गैर की वजह से वाजिब होता है, उस गैर में गौर करो। ममनू भी दो तरह के हैं, ले जाती ही और ले रही रही। ले जाती ही ममनू के दलाई होते हैं और ले रही रही के दलाई नहीं होते हैं। गैर में गौर करना, तकलीफ ले जाती ही फर्ज नहीं, ले रही रही फर्ज है। दलील अगर ले जाती ही तकलीफ फर्ज होती तो इनमे मुश्तहिदीन के लिए भी तकलीफ फर्ज होती। जरा हाले के अइम मुज्तहिदीन के लिए तकलीफ जायज ही नहीं, हलवा तकलीफ ले जाती ही फर्ज नहीं। नमाज फर्ज है, सब पर फर्ज है, ले जाती ही फर्ज है। तकलीफ की अगर ले जाती फर्ज होती तो हर मुसलमान पर फर्ज होती, अइम मुज्तहिदीन पर भी फर्ज होती। और देखो मुज्तहिदीन चार नहीं गुजरे हैं, मुज्तहिदीन 300 गुजरे हैं। ये तो चार अइम्मा के मानने वाले रहे, फिका जमा हुई, इसलिए चार की तकलीफ करते हैं, वरना मुज्तहिदीन 300 गुजरे हैं। ये जो भी मुज्तहिद है उसके लिए तकलीफ जायज ही नहीं। तो साबित हुआ कि तकलीफ वाजिब लेदाते ही नहीं है, वरना हर इंसान के लिए तकलीफ जरूरी है। ये तकलीफ क्यों करनी, इसलिए करनी है कि हर मुसलमान दीन का हर मसला नहीं जानता, और हर मुसलमान के लिए दीन के हर मसले पर अमल करना जरूरी है। ये दो बातें तय, हर मुसलमान के लिए दीन के हर मसले पर अमल करना जरूरी है, और हर मुसलमान दीन का हर मसला नहीं जानता। ऐसी सूरत में अल्लाह ने हुक्म दिया, फसअलु अहलल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम दीन की बात नहीं जानते तो दीन की बात जो जानने वाले हैं उनसे पूछो, और वो जो मसला बताए उसको अमल करो। ये है तकलीफ के जरूरी होने की दलील। अगर हर मुसलमान दीन की हर बात कुरान और हदीस से जानता होता तो तकलीफ की कोई जरूरत नहीं। मगर ये वाकया है कि दीन के हर बात पर अमल जरूरी है, और हर मुसलमान दीन की हर बात न जानता है न जान सकता है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करना पड़ेगा कि न जानने वाले जानने वालों से पूछें और फिर अमल करें। ये तकलीफ के वजूद की दलील है इस गैर की वजह से। वो गैर क्या है कि हर मुसलमान मसला नहीं जानता, न कुरान और हदीस से जान सकता भी नहीं है, तो तकलीफ के अलावा क्या करे। फिर कोई कहने कि तकलीफ ठीक है, न जानने वाले जानने वालों से पूछे। ये तकलीफ शख्सी क्यों है, या तो तकलीफ करो इमाम आजम की, या तकलीफ करो इमाम मालिक की, या तकलीफ करो इमाम शाफी की, या तकलीफ करो इमाम अहमद की। ऐसा क्यों जरूरी है,
मुश्तहिदीन तो 300 गुजरे हैं, हम किसी की तकलीफ करें, इन चार की तकलीफ क्यों जरूरी है? या बाद लोग कहते हैं कि तकलीफ करनी है तो सहाबा की करो, ये बात के लोगों से क्यों करते हो? उसका जवाब मेरे भाइयों सुनो, ये चार ही इमाम ऐसे हैं कि उनकी फिका A to Z किताबों में मुदव्वल हो, और 1400 साल से मुसलसल उलमा इन चार फिकों की खिदमत करते रहे। आज कोई मसला ऐसा नहीं है जो चार फिकों में न हो, और बाकी जो मुस्तहिदीन गुजरे थे उनको बढ़िया शागिर्दगी मिली, उनकी किसी ने मुदव्वन मुरत्तब नहीं की। आज अगर कोई सुफियान फौरी रहमतुल्लाह अलैह की तकलीफ करना चाहते तो कैसे करेगा, क्योंकि फिका मुरत्तब है ही नहीं। तिर्मिज़ी शरीफ में हज़रत फौरी के कुछ अकवाल आए 10%, तो 10% में हज़रत फौरी की तकलीफ की, बाकी 90% में क्या करेगा? यही हाल सहाबा का है। सबसे ज्यादा मसाइल हजरत उमर से मरवी, मगर हजरत उमर से जो मसाइल मरवी हैं वो भी शरीयत इस्लामिया का 30% है। 70% मसाइल हजरत उमर से भी मरवी नहीं। बस अगर कोई हजरत उमर की तकलीफ करेगा तो 30% तो मरवी है, बाकी 70 में किसकी तकलीफ करेगा? और ये जो चार इमाम है, इन चार इमामों को बेहतरीन शागिर्द मिले, उन्होंने सारी फिका कैच की, फिर मुसलसल खिदमत होती रही और आज तक हो रही है। और आज जो नया मसला पैदा होता है, दारुल इफ्ता फतवा देता है देवबंद का, और वो फिर फतवा फिर से अंतिम में शामिल हो जाता है। ये चारों फिका कंप्लीट है, और बाकी मुश्तहिदीन का दौर गुजर गया, उनकी न मानने वाले रहे न उनकी फिका रही, तो कैसे कोई तकलीफ करे? किसी भी सहाबी से कंप्लीट फिका मरवी नहीं, तो कैसे तकलीफ करे? खैर तो साइड की बात थी, ये छोड़ो, असल बात पर आओ। ये जब सहाबा और ताबीन के दौर में कोई मुअय्यन आदमी से मसला पूछना जरूरी नहीं था, जो सहाबी मिले मसला पूछ लो, जो ताबीन मिले मसला पूछ लो, आज ऐसा क्यों नहीं? जो भी मुसलमान अहलु सुन्ना वल जमा, जो अहलु सुन्ना वल जमा से खारिज है वो छोड़, जो अहलु सुन्ना वल जमा में है, चाहे वो हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, जो आलिम ने उनका मसला पूछो, और वो जिस तरह से मसला बतला है उस तरह से अमल करो। एक मुअय्यन इमाम को क्यों पकड़ना जरूरी? उसका जवाब ये है कि ये भी वाजिब ले गई भी, वाजिब ले जाती ही नहीं। अगर वाजिब ले जाती ही होता तो सहाबा के लिए भी वाजिब होता, ताबीन के लिए भी वाजिब होता, जबकि उस दौर में मुअय्यन इमाम की तकलीफ नहीं थी। लिहाजा ये वाजिब ले जाती ही तो है नहीं, वाजिब ले गई भी। वो गैर क्या है? वो गैर है अल्लाह ने जो दीन भेजा है उस दीन पर अमल करना जरूरी है, और इसका नाम है तदय्युन। अल्लाह के दीन पर अमल करो। अगर लोगों को एक मसलक का पालन नहीं किया जाएगा तो लोगों में तदय्युन बाकी नहीं रहेगा, तशाही शुरू हो जाएगा, मनमानी, जहां मसला सहूलत मिली उधर से एक मसला, यहां से लिए, वहां से लिए, वहां से लिए, वहां से लिए, और फिर अमल किया तो अमल कहां हुआ? तो अपनी ख्वाहिश नफ्स पर अमल हुआ। तो तशा ही जायज नहीं, ख्वाहिश नफ्स पर चलना जायज नहीं, अल्लाह के दीन पर अमल करना जरूरी है। ये तदय्युन उसी सूरत में बाकी रहेगा कि एक खूंटा पकड़े, और अगर हद जाई हुआ तो फिर मनमानी चलेगी। एक किस्सा सुनो, हारून रशीद बड़े अच्छे बादशाह गुजरे, उनके जमाने में एक आदमी किताब लिख कर लाया, उस जमाने में ओलमा किताब लेकर बादशाह के खिदमत में पेश करते थे, इनाम हासिल करते, किताब लाया पेश की। हारून रशीद को कहां फुर्सत थी पढ़ने की, उसने पूछा भाई तेरी किताब में क्या है?
उसने कहा मेरी किताब में हर नाजायज को मैंने जायज साबित किया, बिना जायज है फला इमाम का कौल, सूद जायज है फला इमाम का कौल, शतरंज खेलना जायज है फला इमाम का कौल, किसी न किसी का कौल मिलेगा। मुख्तलिफ उलमा छोटे बड़े मोतबर गैर मोतबर सबके अकवाल लाकर कहा मैंने हर नाजायज को जायज साबित किया। ये कारनामा अंजाम दी जी। बादशाह ने एक आदमी से कहा इसकी किताब लो, इसके सर पे बजाओ और इतना बजाओ इतना बजाओ कि ये किताब रेजा रेजा हो। बजाया किताब पट के रेजा रेजा हो। इस किस्से में मुझे क्या समझाना है कि अगर ये खास खुदा नहीं पकड़ोगे तो ये इस मौलवी ने जो किया है हर नाजायज को जायज कर दिया, आज भी हर नाजायज जायज हो जाएगा। ये तदय्युन नहीं है, दीनदारी नहीं है, ये दशा ही है अपने ख्वाहिश पर चलना। और अल्लाह ने जो दीन भेजा है वो तदय्युन के लिए भेजा है, दशा ही के लिए नहीं भेजा है। इस गैर की वजह से मुअय्यन इमाम की तकलीफ जरूरी है। और जब जरूरत पेश आती है तो एक मजहब के मानने वाले दूसरे मजहब से बवक्त जरूरत इस्तिफादा करते हैं, मसाइल लेते हैं, लेकिन वो मिल्लत के अकाबिर लेते हैं, माओ इस्तेमाओ को इसकी इजाजत नहीं। नाराज हो गया मीरी से, क्यों नमक खाने साल में नमक ज्यादा क्यों है, धड़ाधड़ तीन फेर कर दिए, फला फला फला। बेवकूफ करते हैं बेवकूफ। अब परेशान, अब इधर उधर भटकता है, किसी से मसला मिले। गैर मुखल्लिदीन के यहां गया, उन्होंने फतवा दिया कि एक तलाक रख ले दी। सारी जिंदगी तो हमजी रहा, सारी जिंदगी तो शाफी रहा, सारी जिंदगी तो मालिकी रहा, बीवी को तीन तलाक दे दी और परेशान हुआ तो गैर मुखल्लिद बन गया। तो ये सदैव थोड़े ही दीन पर अमल करना, थोड़ी ही तो भाई के नक्त पर अमल करना। बहरहाल इस सवाल का जवाब भी यही है कि तकलीद शख्सी वाजिब ले गाती ही नहीं है, वाजिब ले गई भी ही, ताकि लोगों में तबैयुन बाकी रहे, तशाही जरूर न हो जाए। अब एक मिसाल में और देकर बात खत्म करो। मन ही अनू की मैंने मिसालें ली थी, जीना हराम है, मन ही अनू है, पूछो तो नहीं, पुराना हदीस से दबा ही दे। लेकिन औरतों को पांचों नमाजों में मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। वाय क्या मस्जिदें मर्दों की जागीर है? मर्दों की जागीर नहीं, तमाम मुसलमानों की, मर्दों की औरतों का ही अच्छा हाथ है। फिर औरतों को पांच नमाजों में मस्जिद में क्यों नहीं आना चाहिए? ये ममी अनु ममानत ले गाती ही नहीं है, ले गई भी। अगर ले गाती ही होती तो हुजूर के दौर में औरतें मस्जिद में ना आती, और आज भी हरमैन में औरतें जाती हैं, वो न जाती। फिर ये ममानत क्यों है? गैर की वजह से। देखो यहां दरमियान में रुक कर एक बात समझ लो, हुजूर के जमाने में मस्जिद नबी में औरतें आती, सब औरतें नहीं आती, जो दीन सीखने का जौक और शौक रखती थी वो आती थी, क्योंकि उस जमाने में नई नई वहियां नाजिल होती थी, नए नए मसाइल, और हुजूर नमाजों के बाद नमाजियों को रोक कर नई वही नया कुरान याद कराते थे, औरतों को भी याद कराते थे, फिर मर्द मर्दों में फैलाते थे, औरतें औरतों में फैलाती थी। ये जरूरत अब नहीं रही। अब तो बचपन से लड़कियां दीन पढ़ती पढ़ती बड़ी होती, दीन मुकम्मल हो गया है। इसीलिए हुजूर के जमाने में मस्जिद मदीना में मस्जिद नबवी के अलावा नौ मस्जिदें थी, उन नौ मस्जिदों में औरतें नहीं आती थी नमाज पर, मस्जिद नबवी ही में आती थी, जो दीन सीखना होता था। दूसरा मकसद था आगा की जियारत, दीदार,
इन दो मकसद को लेकर औरतें मस्जिद नबी में आती थी। आज मसाइल सीखने की बात कर रही है, मगर आका वही मस्जिद में लेटे हुए हैं और मर्दों की तरह औरतों को भी सलाम अर्ज करने के लिए मस्जिद नबी में जाना है। जब जाना है तो नमाज भी पढ़ो। और मक्का मुकर्रमा में औरतों को तवाफ के लिए आना है, जब तवाफ के लिए आना तो नमाज भी पढ़ो। ईमान से मक्के में चले जाओ, मस्जिद हराम में सिर्फ आती हैं, मक्का मुकर्रमा में 500 मस्जिदें और हैं, किसी मस्जिद में आपको औरतें नहीं मिलेंगी। बस कोई ये कहे दूर के जमाने में औरतें आती थी, आज क्यों नहीं, जवाब ये कि वो खास हो जाते आते, वो वजह अब नहीं, वो वजह दुनिया की दूसरी मस्जिदों में नहीं, मस्जिद में वो वजह अब भी है। बुजुर्ग वहीं लेते हैं और बुजुर्ग को सलाम अर्ज करने के लिए औरतों को आना है। बाकायदा निजाम है, इतने बजे मर्द सलाम अर्ज करेंगे, इतने बजे पर्दा हो जाएगा, कोई मर्द नहीं आएगा, औरतें सलाम अर्ज करेंगे। और मस्जिद हराम में तवाफ के लिए तो हर एक को जाना है। तो अब नमाज का वक्त तो होकर तो बगैर नमाज पढ़े चली जाए, नमाज पढ़ दे जाए। बस हरमैन का हुक्म और है, हुजूर के जमाने का हुक्म और है। और इसी वजह से मदीना की 9 मस्जिदें हुजूर के जमाने में नहीं आती थी नमाज पढ़। अब जो उनको मना किया जाता है तो वो ममानत ले गई भी है, मैं ले गई भी की मिसाल समझाता हूं। वो गैर क्या है, फितना। और मस्जिद इबादत के लिए मस्जिदों में आने जाने में फितना नहीं होना चाहिए। क्या मतलब फितना, हमारे दारुल आपके दारुल के पिछले मोहतमिम जिनका इंतकाल हो गया, हजरत मौलाना महबूब रहमान का, उनसे एक इंटरव्यू दिया था एक हिंदू ने। गैर मुकल्लिदीन ने हिंदुस्तान के अखबारों में यह मसला छेड़ा कि औरतों को 5 नमाजों में मस्जिद में आना चाहिए, हुजूर के जमाने में आती थी, हरमैन में आती है। तो उसके जवाब आपके अखबारों में आए और बड़ा मारकतुल आरा बहस हो गई। तो जब ऐसा कोई मसला छीटता है तो हिंदू नामा निगार बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। दरमियान में एक लतीफा सुना, मुजफ्फरनगर की एक मस्जिद में हनफी की नमाज पढ़ते थे, गैर मुकल्लिद की नमाज पढ़ते थे, हनफी आमीन आहिस्ता कहते थे, गैर मुकल्लिद चिल्लाते थे। उनको बतेरा समझाया तो भाई आमीन जहर का मतलब ये है कि दाएं वाला सुन ले, इतना जहर करो, चिल्लाते तू वो नहीं मानते। देखो दलीलें 5, जब कोई 4 दलील से न माने तो फिर 5वीं दलील यूज करनी पड़ती, कुरान हदीस इजमा और कयास, वरना 3 दांत जूता। ये 5वीं दलील, जब कोई नहीं मानेगा तो 3 दांत जूता उठाना पड़ेगा। तो एक मरतबा हनफियों ने बजाया तो पुलिस केस हो गया। जज था अंग्रेज, अंग्रेजों के जमाने का वाकया है, जज था अंग्रेज, उसके सामने फाइल खुली, झगड़ा हुआ है आमीन बिन जहर और आमीन बिन तिर्क, इन्होंने भी वकील किया। और अंग्रेज तो नॉलेज का रसिया होता है, उसने दोनों वकीलों से कहा मुझे समझाओ ये आमीन बिन जहर क्या होता है, आमीन बिन तिर्क क्या होता है। तो एक हफ्ते तक इसने दबाई, इसने दबाई, सारा मसला समझा। गैर मुस्लिमों को इस्लामी मसाइल से दिलचस्पी हो जाती है, इसकी मिसाल दे रहा। फिर उसने फैसला लिखा अंग्रेज जज ने कि मैंने दोनों फाजिल वकीलों की बहसें सुनी और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पैगंबर इस्लाम से दोनों तरह के आमीन साबित, आमीन बिन जहर भी साबित है, आमीन बिन सिद्द भी साबित है।
लेकिन आमीन की तीसरी किस्म है जो पैगंबर इस्लाम से साबित नहीं है, और वो है आमीन बिशर। लोगों को चिढ़ाने के लिए आमीन कहो, ये पैगंबर इस्लाम से साबित नहीं। और ये गैर मुकल्लदीन आमीन बिशर करते ज्यादा, इनको इतनी सजा जितनी देरी। तो मैं मिसाल दे रहा था कि जब कोई इस्लामी मसला छेड़ता है तो हिंदुओं को बड़ी दिलचस्पी होती है। तो हमारे मोहतरम साहब दिल्ली जा रहे थे, स्टेशन पर गाड़ी के इंतजार में बैठे थे, एक हिंदू रिपोर्टर आया, जान पहचान जानता था, पहचानता था, उसने आपको सलाम किया, बैठा, तो कहा मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। हजरत फरमाया ले लो भाई। उसने कहा औरतें मस्जिद में आ सकती हैं नहीं आ सकती? तो हजरत ने फरमाया आ सकती हूँ, जाओ हमारे मस्जिद रशीद में जाकर देखो 50 औरतें घूम रही होंगी। मस्जिद रशीद एक ज़ियारतगाह बन गई, औरतें मर्द आते हैं, अब तो पाबंदी लग गई, मर्द आ सकते हैं, औरतें बाहर से देखो। क्यों पाबंदी लगी है? वो मस्जिद भी के ऊपर तहखाना ऊपर इधर उधर तलबा आवाम, और मर्दों औरतों का इख्तिलात होता है तो गलत वाकियात रूनमा होने लगे। औरतों के लिए पाबंदी लगा, बाहर से देखो अंदर ना आओ। लेकिन जब का ये वाकया जब का है, उस वक्त में कोई पाबंदी नहीं थी। हजरत से बोलना जाओ मस्जिद रशीद में देखो 50 औरतें घूम रही होंगी, औरतें मस्जिद में क्यों नहीं आ सकती? तो उसने कहा सॉरी मैं ये नहीं पूछ रहा। हजरत सब समझ रहे थे क्या, मैं ये नहीं पूछ रहा, औरतें 5 नमाजें पढ़ने के लिए मस्जिद में आ सकती हैं नहीं आ सकती? हजरत ने फरमाया हमारे यहाँ का फतवा ये है, अपने कंधे पर नहीं रखी बात ये कहा, हमारे यहाँ का फतवा ये है कि औरतों को 5 नमाजें पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आना चाहिए। तो उसने कहा भाई क्या ये मस्जिद है मर्दों की जागीर है? तो हजरत ने फरमाया जागीर तो नहीं है, सब मुसलमानों के लिए मस्जिदें हैं, लेकिन औरतों के मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने में फितना, इसलिए फतवा यह है कि औरतें नमाज पढ़ने ना आए घर में पढ़े। उस हिंदी ने कहा तो फितना, हम तो मस्जिदों को अमन की जगह समझते हैं, प्लेस ऑफ पीस। आप कहते हैं फितना मस्जिदों में नमाज पढ़ने आते हैं, फितना हम तो मस्जिदों को अमन की जगह समझते हिंदू कह रहे। तो हजरत ने फरमाया मस्जिदों में कोई फितना नहीं, हमारी 3 नमाजें अंधेरे में आती, मगरिब पढ़ते जब लौटते हैं तो अंधेरा हो जाता है, ईशा में तो आने जाने में अंधेरा है, फजर में जब आते हैं तो अंधेरा होता है। और हर औरत का घर मस्जिद के करीब हो ये जरूरी नहीं है, पार बल्कि पार आवे भी हो सकता है। और हर औरत को हर नमाज में मर शोहर या महरम लाने वाला अवेलेबल हो ये भी जरूरी नहीं, औरत को तन्हा भी आना पड़ सकता है। और बिजली का हाल आप जानते हैं, देवगन का किस्सा, देवगन में 8 घंटे बिजली आती, 16 घंटे गायब रहती, और कब आएगी कब जाएगी कोई कायदा नहीं। बीजी भागी, आती जला करके मोमबत्ती जलाई, अभी 2 मिनट हुई थे बीजी आ गई, मोमबत्ती को फूंक मारी, 2 मिनट के बाद भाग गई कि दूसरी मत जलाओ, एक हाथ में एक माचिस खत्म हो जाती। तो बीजी कब आएगी कब भागेगी कुछ पता नहीं। और जवानों का क्या हाल है आप जानते हैं, बस औरत घर से मस्जिद तक आएगी और वापस जाएगी, इस रास्ते में फितना है। तो उस हिंदू नामा निकार ने कहा ये बात आप सही कहते हैं, जमाना बहुत बुरा है। देखा ये बात आप सही कहते हैं, जमाना बहुत बुरा है। मैं इस हिस्से में क्या समझाना चाहता हूं,
जो औरतों को मस्जिदों से मना किया जाता है तो ये मनमानत ले जाती ही नहीं है, ये तो ले गई भी ही है। उस गैर में गौर करो, तुम्हारी समझ में आए मान लो, न समझ में आए न मानो। और जिस जमाने में औरतें मस्जिद नबवी में आती थी, वो जमाना सादगी का जमाना था। बाद में मुसलमानों के पास दौलत आई तो औरतों में जब मुसलमानों के पास दौलत आएगी तो सबसे पहले औरतों में फैशन आए, औरतों में फैशन आए। हजरत फारूक आजम ने औरतों को समझाना शुरू किया, मस्जिद नबी में मत आओ घर में नमाज पढ़ो। हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला ने समझाना शुरू किया तो मस्जिद में मत आओ घर में नमाज पढ़ो। हजरत आयशा सिद्दीका ने समझाना शुरू किया घर में नमाज पढ़ो, तो हजरत उमर के सामने तो औरतें क्या बोलेंगे, हजरत इब्न मसूद के सामने तो क्या बोलेंगे, वो तो अजनबी मर्द है। लेकिन जब हजरत आयशा ने मना किया तो औरतों ने मुआवजा किया, क्यों ना आए हम तो हुजूर के जमाने से आ गए। तो हजरत आयशा ने फरमाया तुम्हारे जो अब क्यों चिल्ले शुरू हो गए हैं, अगर ये हुजूर के जमाने में शुरू हो जाते हैं तो हुजूर खुद मना कर दे, घर में बैठो करो मैं नमाजें पढ़ो। सादा दौर था, कोई फितने का अंदेशा नहीं था, लोगों के दिलों में सलाह और तकवा था। सहाबा दूध के धुले हुए थे। इस जमाना जब बदला और मुसलमानों ने ताबीन की तादाद तबे ताबीन की तादाद बढ़ी। देखो एक बात समझो, चार दौर में तीन खैरुल कुरून है, चौथा ठीक नहीं है। सहाबा का दौर, ताबीन का दौर, तबे ताबीन का दौर, चौथा दौर। ये जो चार अदवार है ये आगे पीछे नहीं है, ये एक साथ चलते हैं। जो समझो जब हुजूर हयात थे दुनिया में तो सब मुसलमानों ने ईमान के साथ हुजूर की जियारत नहीं की थी। दूर दराज देहातों में जो मुसलमान है उन्होंने हुजूर की ईमान के साथ जियारत नहीं की। तो जिन मुसलमानों ने ईमान के साथ हुजूर की जियारत की वो सहाबा, फिर ये सहाबा ज़कात वसूल करने के लिए कबीले में गए तो कबीले वालों ने सहाबी को देखा तो वो ताबी। और ऐसे भी दूर दराज से तो वहां कोई सहाबी भी नहीं पहुंचा तो ताबी ही पहुंचा, उसे देखा तो तबे ताबी। तो जमाने की चौड़ाई में ये चारों अदवार एक साथ चलते हैं। हुजूर के बाद के जमाने में गलबा सहाबा का, जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तब ताबीन का गलबा बने लगा, और वो जज्बा जो सहाबा में था वो ताबीन में नहीं रहा। तो हजरत सिद्दीका ने फरमाया जो अहदसन मिसाल, अगर औरतें आज जो उन्होंने फैशन शुरू कर दिया है, अगर वो फैशन हुजूर के जमाने में औरतें शुरू करती तो हुजूर खुद मना करते औरतों को घर में नमाज पढ़ो। मैं तो मजमून ये समझा रहा था कि जो नहीं ले गई रही होती उसकी दलील नहीं पूछी जाती, गैर में गौर किया जाता है। और हिंदू नामा निगार ने जब उसके सामने वो गैर पेश किया गया तो उसने मान लिया, ये बात आप ठीक कहते हैं, जमाना बहुत बुरा है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गुरु श्री को اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى या इलाही लाज़मीन हमारी नेकियों को कबूल करना, हमारी हसनात में बरकत पैदा करना। या अल्लाह हमें दीन का सही फहम अता फरमा और सही दीन पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी कोताहियों से दर गुजर फरमा, इल्म दीन हासिल करने में जो हमसे कोताहियाँ हो रही हैं
मेरे मौला उनको माफ करना और हमें सही चीज सीखने की तौफीक अता करना। अल्लाह हमारी बीमारों को शिफा अता करना, हमारे परेशान हालात की परेशानियां दूर करना, हमारे मकबूजों की मंजिल के अदाय की दरगाह करना। या अल्लाह हमारी मकफरत करना, हमारे माँ बाप की मकफरत करना, तमाम मुसलमान मर्दों की और मुसलमान औरतों की मकफरत करना। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून।